उत्तर प्रदेश के बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने 6 महीने में 3 लाख लोगों को नौकरी देने का ऐलान किया है। इसकी प्रक्रिया अगले 3 महीने में शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को टीम 11 की बैठक में कहा कि जल्द ही सभी आयोगों और भर्ती बोर्डों के प्रमुखों से भी बैठक करके खाली पदों का विवरण ले और जिस प्रकार यूपी लोक सेवा आयोग और अन्य सरकारी भर्तियां हुई है उसे पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से तेजी से आगे सभी भर्तियां कराई जाए। बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने बताया, सीएम योगी ने अब तक हुई बड़ी सरकारी भर्तियों में 1,37,000 पुलिस की भर्ती की है, 5,000 टीचर की भर्ती हो चुकी है और 1,00,000 से अधिक अन्य विभागों में भर्तियां हो चुकी है। कोरोना काल में भी 1,25,000,000 लोगों को रोजगार दिया जा चुका है। विपक्षी पार्टियां सपा कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बेरोजगारी के मुद्दे पर अपने अपने ढंग से प्रदर्शन किया था। लखनऊ, कानपुर, मुरादाबाद में सपा और कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। वही प्रयागराज में सरकारी नौकरी में शुरुआती 5 साल संविदा कर्मचारी के रूप में काम करने के प्रस्ताव के विरोध में छात्र और युवा भी सड़कों पर उतरे, जिनका कांग्रेस ने समर्थन किया। इस दौरान पुलिस से झड़प के बाद पथराव भी हुआ था।